गुड इवनिंग स्टूडेंट्स यस्टरडे आई हैव सेंडेड यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व नाउ आई एम सेंडिंग यू फॉर्मेट विच फॉर्मेट यू हैव टू फॉलो वाइल सॉल्विंग हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी राइट टेक ए लुक एम आर वी एम आर वी स्टैंड फॉर म्यूनिस्िपल रेंटर वैल्यू एफ आर वी स्टैंड फॉर फेयर रेंटर वैल्यू विच एवर इज हाइयर विच एवर इज हाइयर वो हम यहाँ लिख लेंगे

फिर एनअल रेंटल वैल्यू लेस म्युनिसपल टैक्स वॉट एवर द द टैक्सिपल अथॉरिटी ऑन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यू हैव टू डिटेडर दैट म्यूनसिपल टैक्सिपल रेंटर वैल्यू विच इज गिवन इन द क्वेश्चनिवन है वो लेस करिए वो भी हमारे एम आर वी पर ही निकले एम आर वी का जो टैक्स निकालेंगे उसी के ऊपर निकलेंगे लेस करके आपकी निकलगी NAB. NAB stands for एन Annual स्टैंड नेट एनुअल Then इसमें आप standard deduction देंगे under section 24. जो होगी उसका 30 आपको टैक्स जैसे लाख 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 है तो एक का इधर टैक्स आ जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन मकान बनाने के लिए आपने interest, loan लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो माफ हो जाएगा दोनों को टोटल करके इसमें से डिडक्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा वाइल सॉल्विंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर्स क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें ऑलमोस्ट आपका यही फॉर्मेट चलेगा और जो जो आपको आगे एडजस्टमेंट आएंगी मैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको बताता चलूंगा तो प्लीज गो थ्रू दिस फॉर्मेट रिमाबर इट और समझ लीजिए इसको एम आर वी क्या है एफआर म्यूनिस्पल रेंटर वैल्यू विच इज द वैल्यू फिक्स बायसिपल अथॉरिटी फे रेंटर वैल्यू आर खाली स्टैंडर्ड एंट में ज लेस होता है अदरवाइज बाकी सारी जगह आपका हाइयर हाइयर चलता है तो अभी अगर भी आपको मैं ये फॉर्मेट भेज रहा हूँ इसके बाद मैं आपको दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करके भेज रहा हूँ ठीक है तो प्लीज ये फॉर्मेट दिस फॉर्मेट शुड बी कीप इन योर माइंड वन एवर यू सॉल्व द क्वेश्चन और समटाइम्स एग्जामिनर विलस्क अबाउट दो ड्रा द फॉर्मेट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो यू शुड कीप इन दिस कीप इन इन माइंड यूर दिस फॉर्मेट ओके okay? तो मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके उसकी वीडियो भी आपको भेज रहा हूँ